hello everyone i welcome all of you to my channel myself khushi and in this video we are going to discuss about result cut -off marks and some doubts related to your caste certificate and this doubt is specially for obc students ews students sc and st category students and the whole process of result declaration whole process of counseling and on how much marks you will get which kind of college okay this kind of all of your doubts are going to solve in this particular video okay तो एंड तक देखते रहो आप वीडियो को आपको सब समझ आ जाएगा बाकी मैं आपको कुछ प्रोसेस बताऊंगी कुछ चीज़ें बताऊंगी जिससे आप आपकी खुद की रैंक जो है वो एस्टिमेट कर सकते हो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ठीक है या फिर रैंक भी नहीं तो तब तक आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने आपको मेंटली कि आपको किस कॉलेज मतलब कौन सा कॉलेज आप डिजर्व करते हो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ठीक है आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है ठीक है स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखो हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस कर रहे होंगे हम डिस्कस करेंगे रिज़ल्ट आउट हुआ है या नहीं अभी तक एम्स बी नर्सिंग का रिजल्ट नहीं आया है डेट गिवन नहीं है एम्स के उसके ऊपर ठीक है ये रिजल्ट की डेट कितनी हो सकती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे ठीक है नेक्स्ट है एस्टिमेटेड कट ऑफ जो मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लगभग कट ऑफ कितनी जा सकती है लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग ठीक है आपको बिल्कुल यहाँ पे प्रूफ दिखाया जाएगा कि लास्ट ईयर क्या डेटा था और अब आपका क्या मतलब किस लेवल पर आपकी इंक्रीजमेंट हो सकती है कट ऑफ के अंदर ठीक है नेक्स्ट है हम रिजल्ट uh, का प्रोसेस देखेंगे रिजल्ट किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है फिर हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखेंगे काउंसलिंग में कौन से कौन से चाहिए होते हैं इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट डाउट जो मेरे पास बार बार आ रहा है वो है कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड ठीक है ये कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट जो है वो आपका आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा सर्टिफिकेट क्या या जितने भी टॉपिक्स मैंशन है अगर इनसे इन रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आपको इस वीडियो के अंदर वो सोल्यूशन उस चीज का मिल जाएगा ठीक है आप देखते रहिए वीडियो एंड तक आपको सब पता चल जाएगा चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन ये देखो सबसे पहले वो मैं बाद में बताऊंगी आपको आपका एग्जाम डेट से रिलेटेड एक क्वेरी थी कि एग्जाम कब होने वाला है एम्स बी नर्सिंग का एग्जाम 2022 में हुआ था फोर्थ ऑफ जून को और आपका रिजल्ट आया था थर्टीन जून को ठीक है बराबर दस दिन के बाद आठ या नौ मतलब वन वीक के बाद आपका रिजल्ट आ गया था डिक्लेयर हो गया था ठीक है सेम पैरामेडिकल के लिए डेट्स की है अब देखो ये तो है 2022 में हुआ था अब 2023 में आपके डेट शेड्यूल जो है वो गिवन है एम्स के अकॉर्डिंग एंट्रेंस एग्जाम जो है आपको आपका थ्री को हुआ था ये गलत है आपका एंट्रेंस एग्जाम ट्वेल्व को हुआ था पहले जो है एम्स ने शेड्यूल किया था थ्री बाद में एग्जाम पोस्टपोन होकर ट्वेल्व हो गया था ठीक है एग्जाम पोस्टपोन होकर डेट ट्वेल्व को चली गई थी तो ये थर्ड ऑफ जून क्या है अगर आपका एग्ज़ाम थर्ड जून को होता तो आपका रिजल्ट ट्वेल्थ जून को आने वाला था ठीक है इस अकॉर्डिंग अगर अब आपका एग्ज़ाम ट्वेल्थ ऑफ़ जून को हुआ है तो आपका जो रिज़ल्ट है वो ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी फाइव जून के बीच में आ जाएगा मतलब आ जा सकता है या फिर अगले दो तीन दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट रिलीज़ हो सकता है अब देखो आपको गूगल के ऊपर या फिर किसी भी और साइट के ऊपर अलग अलग डेट्स गिवन होंगी लेकिन अभी तक भी एम्स ने ऑफिशियली रिलीज़ नहीं किया है कि वो डेट जो है जिसपे रिजल्ट आने वाला है ठीक है एम्स पी नर्सिंग का अगर आपको कोई कहता है कि ट्वेंटी को रिजल्ट आने वाला है और आप पूरे दिन भर वेट कर रहे हो बागरों की तरह तो ये मतलब ये एस्टिमेशन है, 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 है कि आपका ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी के बीच में क्या जाएगा रिजल्ट आ जाएगा ठीक है ये हो गया अपना रिजल्ट से रिलेटेड बाकी कुछ फायदा नहीं है वेट करने का रिजल्ट के बारे में अपने आप जैसे ही आएगा आपको टेलीग्राम के ऊपर क्या कर दिया जाएगा नोटिफाई कर दिया जाएगा ठीक है अब अगला चीज़ देखते हैं कितनी कॉलेजेस ये देखो ये इतनी सारी कॉलेज है इसके अंदर इस साल एक और कॉलेज ऐड हुई है वो है बीबी नगर ठीक है बीबी नगर में कुछ सीट्स और ऐड हुई है थर्टी सीट्स है बीबी नगर में ठीक है इनके अलावा ये है एम्स दिल्ली एम्स भटिंडा भोपाल भुवनेश्वर बिलासपुर देवगढ़ गोरखपुर जोधपुर कल्याणी नागपुर मंगलागिरी पटना रायपुर ऋषिकेश और लास्ट में एक आ गया आपका एम्स बीबी नगर ठीक है इसमें आपकी टोटल सीट्स जो है ये हमने टोटल सीट्स देखी नाइन टोटल सीट है और अब एम्स बीबी नगर की सीट ऐड करने के बाद में नाइन टोटल सीट हो गई आपकी कितनी हो गई है नाइन आपकी टोटल सीट हो गई है तो अपन थाउजेंड सीट्स मान के चलते हैं ठीक है थाउजेंड भी क्यों मानना है जो चार बच्चे बच्चे आएंगे उनको कौन सा मिल जाएगा नहीं नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स आपकी सीट्स है जिसमें आप देख सकते हो पर्टिकुलर कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी कौन सी कौन सी सीट है ठीक है देखो जैसे कि यू आर के लिए थ्री सेवेंटी एट सीट्स है यू आ पी डब्ल्यू बी डी पी डब्ल्यू बी डी का मतलब है फिजिकली डिसेबल्ड जो है उनके लिए फिफ्टीन है ई डब्ल्यू एस के लिए एटी एट है ओ बी सी की टू फोर्टी एट है इस तरह से आप ये सारी सीट्स देख सकते हो ठीक है इसमें हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अब इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ये देखो ये एम्स ने अपने प्रोस्पेक्ट्स में लिखा हुआ था कि द कट ऑफ इन क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन इज रिक्वायर्ड इन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल बी एस सी कोर्सेज शुड शैल बी फिफ्टी परसेंट फॉर यू आर ई डब्ल्यू एस ई डब्ल्यू एस और यू आर कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए ये फिफ्टी परसेंट होना चाहिए ठीक है क्या मतलब उनका जो स्कोर है इस एग्जाम के अंदर अगर आप यू आर मतलब एक अनरिजर्व कैटेगरी से हो मतलब आप अगर जनरल कैटेगरी से हो तो आपके मार्क्स 50 परसेंट से ऊपर होने चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए अगर आप ओबीसी से हो तो आपके मार्क्स 45 परसेंट से ऊपर होने चाहिए और अगर आप एस या एस कैटेगरी से हो तो आपके मार्क्स फोर्टी से ऊपर होने चाहिए इसमें परसेंटेज अगर आपका एग्जाम हंड्रेड मार्क्स का है तो परसेंटेज सीधा सीधा स्कोर है ठीक है अगर आपके मार्क्स फिफ्टी से अबो आते हैं तो आप जनरल में हो तो आप क्वालिफाइड हो क्वालिफाई होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगा क्वालिफाई होने का मतलब यह है कि आप काउंसिंग में बैठ सकते हो ठीक है आपका एक लिस्ट आएगा ना उसमें आपका नाम आएगा आपका रोल नंबर आएगा ठीक है ओबीसी वाले फोर्टी फाइव परसेंट पर क्वालिफाई होंगे साथ में एससी या एसटी वाले जो है वो फोर्टी परसेंट पर क्वालिफाई होंगे ठीक है इतनी चीज समझ में आ गई अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं देखो ये हमने देखा सीट्स कितनी है आपकी नाइन सीट्स हैं और जिसमें से थर्टी सीट्स जो है इस इस साल अभी ऐड हुई है किसकी एम्स बीबी नगर की ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अपन फर्स्ट राउंड में आपको लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ आपकी फर्स्ट राउंड में किस रैंक पे कौन से कौन से मतलब किस रैंक पे कितने मार्क्स थे और आपको आ, मतलब जो कॉलेज की सीट्स थी वो मतलब सबसे पहले हम देखते हैं मॉक राउंड ये फर्स्ट राउंड एक बार आप छोड़ दीजिए सबसे पहले हम देखते हैं मॉक राउंड में क्या हो रहा था ठीक है मॉक राउंड में आपका मॉक राउंड मतलब एक सबसे पहले काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड होता है उससे भी पहले एक राउंड होता है मॉक राउंड ठीक है मॉक राउंड में बच्चों की एक लिस्ट निकलती है जिसके अंदर रोल नंबर्स लिखे होते हैं आपको पार्टिसिपेट होता है मॉक राउंड में और उस लिस्ट के अंदर रोल नंबर और मार्क्स लिखे होते हैं ठीक है ठीके? और फिर आप उसमें मतलब आगे प्रोसेस होता है जब आप अपना कॉलेज वगैरह चूज कर सकते हो लेकिन ये सब चीजें होती है तो मॉक राउंड में जो फर्स्ट स्टूडेंट था जो रैंक वन था एम्स में लास्ट ईयर जिसकी रैंक वन आई थी उसका 92 स्कोर था और जिसकी एटीन रैंक आई थी एस कैटेगरी का बच्चा था जिसके फोर्टी स्कोर था ठीक है फोर्टी मार्क्स आए थे है ना अब देखते हैं हम फर्स्ट राउंड में फर्स्ट राउंड में यू कैटेगरी अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी हो अगर आप जनरल हो अब देखो ये वाला लास्ट ईयर का है इस इस अगर अगर साल थोड़ा सा भी कंपटीशन तो आप एक मार्क्स ऐड करके चलो क्योंकि एक मार्क्स पे बहुत सारे बच्चे होते हैं ठीक है ऐसा नहीं होता है कि लास्ट ईयर फिफ्टी फाइव था तो इस साल पूरा सिक्सटी चला जाएगा बिल्कुल नहीं फिफ्टी फाइव था तो फिफ्टी सिक्स हो सकता है फिफ्टी सेवन हो सकता है समझ आ रहा है इससे ज्यादा नहीं होगा ठीक है अब देखो फर, कैटेगरी क्या है यू आर है ओबीसी एस सी एस टी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी अनिजर्व कैटेगरी में नाइन हंड्रेड एंड ट्वेल्थ रैंक पे फिफ्टी मार्क्स तक लास्ट बच्चे को जिसको सीट मिली थी वो थी नाइन हंड्रेड ट्वेल्व रैंक पर था मार्क्स कितना था फिफ्टी मार्क्स थे ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं ओबीसी ओबीसी में ट्वेल्व हंड्रेड एट पे इसके मार्क्स थे फिफ्टी पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन ठीक है इस पे सीट मिली थी एस सी में टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी वन पे सीट मिली थी जो कि बहुत कम मार्क्स है ठीक है टू थाउजेंड सेवन आप देख रहे हो अगर आपके ट्वेल्व हंड्रेड पर फिफ्टी मार्क्स है तो टू थाउजेंड पे कितने होंगे थर्टी वाले रेंज में मार्क्स चाहिए थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वन ठीक है 38, 39, 40, 41, ऐसा कुछ एस सी का बन सकता है चांस ठीक है एस सी और एस टी कटेगरीज में मिल जाता है कॉलेज इजिली नेक्स्ट है ई डब्ल्यू एस ई डब्ल्यू एस में आपको फिफ्टी प्लस स्कोर करना जरूरी था फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने के लिए ठीक है नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सेकंड राउंड सेकंड राउंड में अनरिजर्व कैटेगरी को मिला था 1250 हंड्रेड फिफ्टी पे लास्ट सीट मिला था ट्वेल्ल हंड्रेड फिफ्टी पे जिसके मार्क्स फिफ्टी वन से अबोव थे देखो फर्स्ट राउंड में फिफ्टी फाइव प्लस वालों को मिला जनरल से सेकंड राउंड में आते आते फिफ्टी वन को मिला ओबीसी में फर्स्ट राउंड में फिफ्टी फाइव फिफ्टी वन प्लस को मिला और यहाँ पे आते आते फोर्टी सिक्स प्लस को मिल गया ओबीसी में एस सी में इस रैंक में मिला एस टी में इस रैंक पर मिला ईड्ल्यू एस में इस रैंक में मिला फिफ्टी प्लस मार्क्स के ऊपर ठीक है यह है सेकंड राउंड सेकंड राउंड के बाद में आपका एक होता है ओपन राउंड ठीक है ओपन राउंड में क्या होता है देखो अनरिजर्व को ओपन राउंड में मिला था लास्ट ईयर थर्टीन सिक्सटी एट रैंक पे और मार्क्स थे उसके फिफ्टी प्लस ओबीसी ओबीसी का मिला था आपका सिक्सटी टू रैंक में मार्क्स थे उसके फोर्टी प्लस ठीक है एस सी को मिला था टू थाउंड अच्छा ये मैंने इसलिए स्पेशली लिखा है क्योंकि लास्ट ईयर एक बच्चा था एस सी कैटेगरी से जिसकी जिसकी रैंक थी टू थाउजेंड सिक्सटी सेवन टू जीरो सिक्स सेवन रैंक समझ रहे हो आप टू जीरो सिक्स सेवन रैंक के उस पर रैंक पे उसको एम्स दिल्ली मिला था किसमें ओपन राउंड काउंसलिंग के अंदर अब मैं आपको एक बार काउंसलिंग का प्रोसेस थोड़ा सा समझा देती हूँ ठीक है इससे पहले वो देखिए अपन उससे पहले मैं आपको एक बार काउंसलिंग का प्रोसेस समझा देती हूँ ये आपका एम्स वाला जो प्रोस्पेक्टस है उसमें दिया हुआ है आपका जो रिजल्ट आएगा उसके नीचे भी इंस्ट्रक्शन ये बने होंगे उसमें आपको काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस समझाया हुआ होगा ठीक है उससे पहले अब आपको ये चीज़ देखना नहीं है आपको पहले मैं जो बोल रही हूँ वो चीज़ें सुननी है ठीक है काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपका एक होता है मॉक राउंड ठीक है ध्यान से देखो सबसे पहले मॉक राउंड फिर होता है फर्स्ट राउंड फिर होता है सेकंड राउंड और उसके बाद में अगर थर्ड राउंड किसी कॉलेज का होता है तो होता है नहीं तो मेनली कौन से होता है फर्स्ट सेकंड के बाद में ओपन राउंड होता है ठीक है इन चारों के रिजल्ट कहां पर डिक्लेयर किए जाते हैं आपके एम्स के साइट के ऊपर डिक्लेयर जाते हैं ठीक है थीके? उसका भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी वीडियो अपलोड नहीं इसी के लास्ट में अटैच कर दूंगी एक वीडियो जिसमें आप देख लेना कि किस तरह से आप रिजल्ट निकाल सकते हो ठीक है अब देखो जैसे मॉक राउंड सबसे पहले मॉक राउंड हुआ मैंने जैसे आपको बताया था मॉक राउंड में रैंक वन से लेकर एटीन ट्वेंटी वन रैंक तक लास्ट ईयर इतने रैंक तक के बच्चे आए थे मॉक राउंड में और फर्स्ट राउंड में फर्स्ट राउंड में क्या करते हैं ये लोग उतने बच्चे जैसे मान लो अगर इनको सीट लेनी है फर्स्ट राउंड में इनको देनी है ढाई सौ सीट टू फिफ्टी सीट्स देनी है किसी सारे कॉलेजेस को मिला के टू फिफ्टी सीट फिफ्टी सीट्स है तो आपके जो फर्स्ट राउंड में राउंड है उसके अंदर बच्चे आएंगे वन थाउजेंड ठीक है एम्स के जो आपका ये था ना क्या कहते हैं उसको एग्जाम uh, वाला जो डॉक्यूमेंट है उसके इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि फोर टाइम्स बच्चे आएंगे जो जिनका uh, नाम किस में होगा फर्स्ट राउंड में होगा ठीक है क्योंकि कुछ बच्चे सीट छोड़ देते हैं कुछ बच्चे नर्सिंग नहीं करना चाहते हैं कुछ और कोर्स परस्यू करना चाहते हैं समझ रहे हो ना तो थाउंट सीट्स होंगी जरूरी नहीं है थाउजेंस होंगी मैं बता रही हूँ फोर टाइम्स होगा ठीक है तो अगर फर्स्ट राउंड में मान लो टू सीट्स है तो फोर टाइम्स होगा अगर फर्स्ट राउंड में आपकी हंड्रेड सीट्स है तो इसमें फोर आ जाएंगे है ना फर्स्ट राउंड में फाइव सीट्स है तो टू बच्चों का नाम क्या होगा मैंशन होगा फर्स्ट राउंड के अंदर अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सॉरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है ये ध्यान से सुनो एकदम अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है तो आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते आई बात समझ में फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है तभी सेकेंड राउंड में कर सकते हो फर्स्ट राउंड में नहीं किया है तो सेकंड राउंड में नहीं कर सकते हो अब देखो कोई बच्चा था उसके दिमाग से निकल गया कि फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया उसने उसके मार्क्स भी अच्छे थे उसको कॉलेज मिल सकती थी लेकिन नहीं किया तो अब वो सेकेंड राउंड में भी नहीं कर पाएगा तो क्या सोच रहे हो आप उसका चांस चला गया नहीं फिर आपका आता है ओपन राउंड तो आप

ये है कंप्लीट आपका प्रोसेस काउंसलिंग का है ना इसके बाद में काउंसलिंग जब आपकी इस साल वाली स्टार्ट होगी और रिजल्ट के साथ जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसके ऊपर मैं एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बना के डालूंगी ठीक है तो आप उसके लिए वेट करो बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही है जो आपको ध्यान रखनी काउंसलिंग से रिलेटेड एक बार मैं सर्टिफिकेट्स का बता देती हूँ इसके बाद में मैं बताऊँगी काउंसलिंग के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे काउंसलिंग के लिए ठीक है अब देखो अब पहले अपन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से पहले ई और ओ का कास्ट सर्टिफिकेट वाला देख लेते हैं देखो कास्ट सर्टिफिकेट वाला जो डाउट था वो सिर्फ देखो कास्ट सर्टिफिकेट जनरल और यू मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरीज है जैसे कि जनरल उनको कास्ट सर्टिफिकेट का कोई मतलब उनका कोई रोल ही नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट्स का से रिलेटेड ठीक है अब सेकेंड चीज़ आती है कि कास्ट सर्टिफिकेट में जो इशू डेट है आपका है ना कि इस डेट से इस डेट के बीच में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए इस चीज़ में एस और एस का कोई रोल नहीं है क्यों नहीं है एस और एस कैटेगरी का अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपका पुराना बना हुआ है डेट्स नहीं है उसके रिगार्डिंग कोई भी डेट बाउंडेशन नहीं है कि इस डेट के अंदर ही होना चाहिए ठीक है आपका अगर पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी वैलिड होगा ये जो कास्ट सर्टिफिकेट वाला जो डाउट है वो है आपके ओबीसी एनसीएल वाले स्टूडेंट्स के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ठीक है इन्हीं दो का क्या है इशू डेट है, है ना देख लीजिए आप जैसे कि बीएससी ऑनर्स वाले जो बच्चे हैं उनका पहले एग्जाम थर्ड जून को डिसाइडेड था तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फोर जून से लेके फोर जून ट्वेंटी मतलब एक साल पहले फोर जून ट्वेंटी से लेकर थ्री जून 2023 के बीच का होना चाहिए ठीक है अगर आपका 4 जून को ही बना है तो भी काउंट होगा 3 जून को ही बना है तो भी काउंट होगा क्योंकि बोर्ड डेट्स आर इंक्लूसिव लिखा हुआ है ना ठीक है यह चीज़ समझ में आ गई बीएससी ऑनर्स नर्सिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका लास्ट ईयर फोर जून ट्वेंटी से लेकर थ्री जून ट्वेंटी के बीच का होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट अब आप कहोगे कि नई एग्जाम डेट आ गई है तो उसके अकॉर्डिंग बताओ नई एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग एम्स ने अपना खुद का कुछ रिलीज नहीं किया है इशू डेट अब जब रिजल्ट आएगा तो उसके उसके साथ हंड्रेड आएगा नई इशू डेट आएगी जिसमें शायद एट या टेन डेज का एक्सटेंड पीरियड हो लेकिन जरूरी नहीं है होगा यह चीज चाहिए कि आपका जो है जून जून से लेके 3 2023 के बीच का होना चाहिए ठीक है है सर्टिफिकेट अगर आपका पुराना है, अभी तक आपने बनवाया नहीं था इस टाइम के बीच में आपका सर्टिफिकेट तो आपको एक अनिजर्व कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा ठीक है आपको जनरल को जिस मार्क्स पर सीट मिलती है आपको भी उसी मार्क्स पर सीट मिलेगी सेम है ईडब के, के लिए क्या है डेट्स वन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री से मतलब अप्रैल 2023 से आपका होना चाहिए थ्री जून 2023 के बीच का कास्ट कास्ट सर्टिफिकेट ठीक है अगर और ये दोनों डेट्स इंक्लूसिव है अगर इस टाइम के बीच का आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको भी जनरल से ही आपकी क्या होगी Uh, तो क्या कहते हैं काउंसलिंग होगी ठीक है आपका जनरल का जो स्कोर होता है अनरिजर्व कैटेगरीज का जो स्कोर होता है उसी स्कोर के ऊपर आपको कॉलेज मिल रहा होगा ठीक है समझ में आ गया आपको कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड एस सी और एस कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं एस सी वाले उनको कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ठीक है आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा चाहे वो एक साल पुराना है दो साल पुराना है वो चीज़ नहीं देखेंगे बस एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होना चाहिए ना कि आपके एक जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो बनता है ना स्टेट में जो बनता है वो नहीं होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए सेंट्रल होना चाहिए है ना इन दोनों में एक फर्क होता है, देखा जाए तो जैसे राजस्थान में हरियाणा में पंजाब में और महाराष्ट्र में और भी कुछ जगह पर ये जो आपका स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो लोकल लैंग्वेज में बनता है जैसे कि राजस्थान की लोकल लैंग्वेज हिंदी हरियाणा की हिंदी ठीक है पंजाब की तो वो पंजाबी में बनेगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी और जो सेंट्रल वाला है वो इंग्लिश में लिख इंग्लिश में छप के आता है तो जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल वाला होना चाहिए जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ आता है ना जिसके अंदर सारी डेटा वो वाला आपका सर्टिफिक होना चाहिए EWS और किसके लिए ओबीसी के लिए और एससी एसपी के लिए भी सर्टिफिकेट सेंट्रल चाहिए लेकिन कोई भी डेट का हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ईड्ल्यू वाले अपनी डेट देख लो और ओबीसी वाले एक बार ये इशू डेट देख लो ठीक है अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है ये है आपके एम्स ने लिखा है कि आपको ये ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इसको मैंने एक एकदम सिंपल तरीके से आपको लिख के बता दिया इससे पहले ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ कुछ लिखा है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट दैट आर रिक्वायर्ड टू डिट द डी डी ये डीडी क्या है डीडी डी वन लैख मतलब क्या इसका मतलब है देखो पहले मैं बताती हूँ ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने लिखे हैं बारह डॉक्यूमेंट्स इन डॉक्यूमेंट्स के मतलब ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है ठीक है इनमें से एक भी ओरिजिनल नहीं है मान लो आप पहले किसी एक इंस्टीट्यूट से बीएससी का कोर्स कर रहे थे उनके पास आपके रियल डॉक्यूमेंट्स है और वो आपको दे नहीं रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स तो आपको क्या अब क्या होगा बताओ अब क्या आपको एडमिशन नहीं मिलेगा मिलेगा एडमिशन लेकिन एडमिशन लेने के लिए आपको एक डिमांड ड्राफ्ट नाम से क्या होगा पेनल्टी लगेगी आपकी तो आपको डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा जो कि वन लाख रुपीज़ होता है डिमांड ड्राफ्ट कितना होता है वन लाख रुपीज़ अगर आपकी मान लो टीसी नहीं मिली आपके पुराने स्कूल वालों टीचर ने आपको टीसी नहीं दी तो आपको क्या करना पड़ेगा जो आपका जो आपको एम एलोकेट हुआ है जिसमें आप ऑफलाइन रिपोर्टिंग करवाने जाओगे तब आप उनको क्या करोगे अपना टी दोगे और टी के जगह पर अपना क्या दोगे ड्राफ्ट डिमांड भरोगे आप जिसका एक प्रॉपर फॉर्म होता है और साथ में पाँच दिन के अंदर अंदर आपको ये अमाउंट क्या करना होता है आपके आपको जो एम्स एलोकेट हुआ है उसको पे करना होता है ठीक है जैसे कि आप देख रहे आपको कौन से कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है सबसे पहले ऑफर लेटर ऑफर लेटर क्या होता है ऑफर लेटर अभी तक आपके पास नहीं होगा जब तक आपका सीट जो है वो मार्क हो जाएगा मतलब आपको सीट मिल गया है किसी भी कॉलेज में उसके बाद में आपके ई मेल या फिर आपने जो फोन नंबर दिया है उस पर आपका एक ऑफर लेटर आता है ठीक है कई बार ये ऑफर लेटर जो है वो उसके थ्रू भी आता है लेकिन अब नहीं आता अब ई वगैरह पे आ जाता है ऑफर लेटर उसके बाद सीट अलोकेशन लेटर ऑफर लेटर और सीट अलोकेशन लेटर आपके पास अभी नहीं होगा रिजल्ट आने के बाद जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तब आपके फोन नंबर के ऊपर भेज दिया जाएगा ठीक है फोन नंबर या ईमेल या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप तक पहुंचा दिया जाता है फिर आपका आता है फाइनल रजिस्ट्रेशन ये आपके पास पहले से होनी चाहिए आप अपने एम्स वाले ऐप मतलब जो साइट है उसके ऊपर जाके अपना आई डालो रजिस्ट्रेशन कोड डालो पासवर्ड डालो उसके बाद में एक, वो जो आपने सबसे पहले आपका जो प्रोफाइल आता है नाम आता है पूरा इंटरफेस आता है उसको प्रिंट करवा लो उस पेज को ठीक है जो आपने शुरू में जब फॉर्म फिल करवाया था तब प्रिंट करवाया था बस वही प्रिंट वाला एक पेपर चाहिए फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप जिसे कहते हैं फिर हमें एडमिट कार्ड चाहिए एडमिट कार्ड वही जो आप एग्जाम देने गए थे तब साथ लेके गए थे वैसा एडमिट कार्ड एक और एडमिट कार्ड करवा लो निकलवा लो अभी भी निकलवा सकते हो आप एडमिट कार्ड वही आई वगैरह डालो आप अपने एम्स वाले उस पर और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो उसके बाद में टेंथ और ट्वेल्थ की मार्कशीट बस इसमें तो क्या ही डाउट हो सकता है आपने टेंथ क्लास जहाँ से पास की है जिस बोर्ड से पास की है उसका प्रूफ होना चाहिए ठीक है वो आपकी 10th और 12th की मार्कशीट फिर नेक्स्ट है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट हिंदी में इसको कहते हैं प्रवासन प्रमाण पत्र है जैसे ना जैसे मान लो आप 10th से 12th में गए थे तो आपके 10th वाले स्कूल वाले सर ने अगर 12th में आपने स्कूल चेंज की थी तो आपको एक दिया होगा टीसी एक दिया होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट और एक दिया होगा आपका क्या कास्ट सर्टिफिकेट ये तीन चीजें मिली होंगी आपको टी सी माइग्रेशन माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट है ना साथ सॉरी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं आई एम really रियली सॉरी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं मतलब एक आपको मिला है प्रवासन प्रमाण पत्र एक आपको मिला है टी सी साथ में एक मिला है चरित्र प्रमाण पत्र उस जगह पर चरित्र प्रमाण पत्र को और टी सी को एक ही माना जाता है ठीक है क्योंकि वो एक ही जोड़ के ही देते हैं क्योंकि उसमें कुछ रिजल्ट भी लगे होते हैं इसलिए मैं यहाँ पर टी सी को अलग कह रही हूँ वो होता है आपका तो ये हो गया आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिस स्कूल से आपने ट्वेल्थ की है या फिर अभी जो फाइनल कोर्स किया है इसके बाद में जिनके पास है उनसे आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले आओ फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको रिन्यू करवा लेना है आप जिस भी स्कूल में थे वहां से जाके कुछ भी नहीं है पांच मिनट का काम है तुरंत रिन्यू करके दे देंगे आप अपना पुराना वाला टीसी ले जाओ और उनको दिखा दो और बोल दो सर नया रिन्यू करके दे दो तो आप वो डेट चेंज कर देंगे और स्टैंप लगा देंगे स्कूल का ठीक है उसके बाद में आपका है कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट किसको किसको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर हमने पीछे बहुत चर्चा की ओबीसी को कौन सा चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट जो डेट गिवन है उनकी उनके बीच का अगर उनके बीच का नहीं है तो उनको जनरल या फिर अनरिजर्व कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा एससी और एसटी को कोई डेट की फाउंडेशन नहीं है, बस सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए चाहे वो चार साल पुराना हो चाहे वो दो साल पुराना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट है पीडब्ल्यू बी सर्टिफिकेट ये क्या होता है ये सबके लिए नहीं है बस जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं उनको चाहिए होता है पीडब्ल्यू बी सर्टिफिकेट उसके बाद में आता है आपका पासपोर्ट साइज फोटोज पासपोर्ट साइज फोटोज किसको सॉरी पासपोर्ट साइज फोटोज सबको चाहिए होंगे पांच से छ पासपोर्ट साइज फोटोज अपने पास रखिए ठीक है बार, बार बार बहुत सारे प्रोसेस होंगे जिसमें आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी फिर टेंथ और ट्वेल्थ की पासिंग सर्टिफिकेट पासिंग सर्टिफिकेट क्या है पासिंग सर्टिफिकेट कुछ नहीं है पासिंग सर्टिफिकेट कुछ स्कूल्स के लिए या फिर कुछ बोर्ड्स के लिए जो है आपका मार्कशीट है वही पासिंग सर्टिफिकेट होता है ठीक है आई बात समझ में मार्कशीट ही कुछ बोर्ड्स के लिए पासिंग सर्टिफिकेट होता है कुछ बोर्ड्स के लिए पासिंग सर्टिफिकेट स्कूल वाले जो है आपका एक पासिंग सर्टिफिकेट बना के देते हैं जिसपे स्कूल का स्टैंप लगा होता है ठीक है ये दो तरह होते तरह होते से पासिंग सर्टिफिकेट को अलग अलग मतलब बोर्ड के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट किया जाता है ठीक है कुछ बोर्ड पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट को सेम ही कंसिडर करते हैं कुछ बोर्ड्स होते हैं जिसमें आपको स्कूल से लेके आना पड़ता है जैसे कि सीबीएसई बोर्ड है ना तो आप एक बार ये चेक कर लीजिएगा आपका पासिंग सर्टिफिकेट और ये वाले में क्या प्रॉब्लम है ठीक है मार्कशीट में यहाँ तक हो गया देखो अभी तक मैंने आपके लगभग सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं काउंसलिंग से रिलेटेड एक मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगी आपको इसके अलावा काउंसलिंग के अलावा आप देखो जैसे आपको मैंने अभी बताया कि फर्स्ट राउंड में इस पर इतने मार्क्स पर ये वाली सीट मिली थी सेकंड राउंड में ये हुआ था मॉक राउंड में ये हुआ था ओपन राउंड में ये हुआ था ठीक है अगर आपको चाहिए कि आपकी एक पर्टिकुलर कॉलेज कौन से राउंड पर कौन सी कॉलेज मिलेगी कितने मार्क्स पे या फिर कितने रैंक पर कौन सी कॉलेज आप मतलब सोच सकते हो ठीक है कि मेरे को ये कॉलेज मिल सकती है ठीक है अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूंगी क्योंकि ये चीज़ आपको काउंसलिंग में बहुत हेल्प करेगा काउंसलिंग में जब आपको तीन या चार स्टेप्स बताने होंगे ना तीन या चार कॉलेज चूज करनी होंगी मोस्टली तीन का ऑप्शन होता है आप वो कॉलेजेस जब चूज़ करोगे आपको उस ऑर्डर में अरेंज करना होगा कि आपको सबसे पहले कौन सी प्रेफरेंस है सेकंड प्रेफरेंस थर्ड प्रेफरेंस ठीक है जैसे अपन सेंटर चूज करते हैं वैसे ही कॉलेज चूज करना होगा तो आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज मिल रही अगर मान लो आपके चालीस मार्क्स आए ओ में और आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पर दिल्ली डाल दिया एम्स दिल्ली तो ये तो वैसी वाली बात हो गई ना कि मिलने भी वाली नहीं है और प्रेफरेंस भी खराब गई आपकी समझ रहे हो तो वो करने का कोई फायदा नहीं है इसलिए मैं बता रही हूँ अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए कि इस मार्क्स पे ये कॉलेज मिल सकता है इतने मार्क्स आए तो ये कॉलेज मिल सकता है ये कॉलेज जो है इसका इतना कट ऑफ जाता है सारे जो आपके चौदह पंद्रह ई एम से उनका सबका कट ऑफ वाला वीडियो चाहिए तो आप एक बार मुझे कमेंट कर दो मैं अगले वीडियो में ले आऊंगी शाम तक आपको बता दूंगी ठीक है बाकी अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो शेयर करो सब्सक्राइब करो प्लीज़ कमेंट कर देना अगर आपके कोई भी डाउट है और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी इसके अलावा देखो जो पैरामेडिकल और आर यू एच एस बी एस सी नर्स अच्छा एक चीज और अगर मान लो आपका इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है ठीक है इतना जो कट ऑफ मैंने बताया है इतना मार्क्स जो है आपका नहीं आ रहा है ये मार्क्स नहीं आ रहे हैं आपके फिफ्टी या फोर्टी या बहुत मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है निराश होने की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है कि आपको हंड्रेड परसेंट ड्रॉप ही करना पड़ेगा अभी कौन सा एग्जाम आ रहा है पी चंडीगढ़ का एग्जाम आ रहा है ठीक है कुछ बच्चों का पैरामेडिकल जिन्होंने नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल दिया था वो भी बाकी है अच्छे से प्रिपेयर करो उसके लिए पैरामेडिकल हो जाएगा है ना उसमें अच्छा अच्छा करने की कोशिश करो पी चंडीगढ़ ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेट की लड़कियाँ भर सकती है पी चंडीगढ़ का ऑल ओवर इंडिया के गर्ल्स जो है फॉर्म फिल कर सकती है पीजीआई चंडीगढ़ के लिए तो आप करो ना वो चीज़ आपको अभी उसका एग्जाम फोर अगस्त को होगा अभी तक डेढ़ महीने का टाइम है तो आराम से पढ़ सकते हैं उसके

उसके अलावा राजस्थान के बच्चे हैं तो उनके लिए आर यू एच एस का फॉर्म निकल रहा है अभी रिलीज हो चल रहा है फॉर्म उसकी डेट एक्सटेंड हो गई अगर नहीं फिल कराया तो आज ही जाके फिल करवा दो कल लास्ट डेट है आर यू एच एस की ठीक है इसके अलावा आपका हरियाणा वाला फॉर्म रिलीज़ हुआ है हरियाणा वाले फॉर्म चल रहे हैं अलग अलग स्टेट के भी फॉर्म चल रहा है साथ में आपका ये एम्स पैरामेडिकल और पी जी आई चंडीगढ़ ये सब भी चल रहा है तो आप वो वाले एग्जाम देते रहो ठीक है किसी ना किसी में अगर आप अच्छे से करके आओगे तो हो जाएगा पक्का है ना इसमें ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है बहुत सारे एग्जामें निकाल लेंगे हम कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे सही है थैंक यू सो मच बाकी कमेंट कर देना कुछ भी आपका रिलेटेड डाउट हो या फिर किसी किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए डिटेल डिस्कशन चाहिए तो कमेंट कर देना ठीक है थैंक यू सो मच